हाय एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक अनदर गेम वीडियो गाइस। इस बार हमारे थर्ड एपिसोड के द वुल्फ गेम के अंदर। तो इससे पहले मैंने दो एपिसोड खेल चुका गाइस। अगर गाइस आपको इस एपिसोड के बारे में चाहिए कि गेम कैसी है और क्या स्टोरी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक फाइंड कर सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी डाल चुका है। तो गाइस इस एपिसोड में, हम थर्ड एपिसोड में, अगर हम गेम स्क्रीन पर आ चुके हैं और अभी अल्फा अकेले बचा है और एक मून करके कोई फीमेल सी है। तो लेकिन अभी तक मून का बिल्कुल भी, मतलब बोल सकते हो, कुछ भी मिले नहीं अभी लोग। तो अभी अकेली अल्फा इस जंगल को पूरा एक्सपांड कर रहा है और स्टोरी ये है कि अभी एक हाइना आ चुकी है और अभी ये दोनों का, अल्फा और हाइना का, अभी लड़ाई होने वाला है, यानी बैटल होने वाला है। और अकेली अल्फा ये साइड है और दो हाइना है। तो आप देख सकते हो ऑलरेडी अल्फा को इस अकेले जंगल में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अल्फा ही जीतेगा। तो आप देख सकते हो अल्फा विक्ट्री कर चुका है और विक्ट्री की जगह पे काफ़ी सारे चीज़ उसको मिल चुके हैं। अल्फा जबकि जीत चुका है गाइस, आप देख सकते हो ऑलरेडी। और जीतने के बाद जैसे ही इसको और बढ़ाने की बात आता है, तो अल्फा देखता है कि ट्री पे काफ़ी सारे फ्रूट्स है, बेरीज है, तो वो कलेक्ट कर लेता है अल्फा और कुछ खा भी लेता है, क्योंकि उसका पेट थोड़ा सा भूख लगी हुई थी उसको, तो उसने काफ़ी सारा खा लिया है। और फिर आगे बढ़ेगा नेक्स्ट जर्नी की तरफ और देखते क्या होता है। ये सब गाइस इतना करते वक्त जो अल्फा है पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका है, मेंटली और फिजिकली। और फिर उसके बाद अल्फा को मून से, मतलब एक मून फीमेल वुल्फ करके वाइट कलर की, उससे वो मीटअप होती है और फिर दोनों जन बात करते हैं क्या है। तो मून ने अल्फा को बताती है कि एक काफ़ी उधर एक हाइना की ग्रुप है। तो मून और अल्फा एक साथ रेडी हो जाती है और जो कि हाइना थ्री होते हैं, इधर भी अल्फा ही जीतने वाला है विक्ट्री, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन इधर अल्फा पूरी तरीके से बीट हो जाता है और मून ने बचा लिया। और जबकि मून जीत जाते हैं, ऑलरेडी अल्फा एक दूसरे को लोग दोनों ने थैंक यू बोलता है और अल्फा मून को वेलकम बोलती है और इस वैली के बारे में बताती है। एक दूसरे का थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस होता है कि ये अल्फा मून, ये दोनों का नाम है। फिर मून ने अपने बारे में बताया कि जो ब्लैक वुल्फ थे उन्होंने अटैक किया था इन पे, कुछ इस तरीके का अलायंस था, काफ़ी सारे थे। तो उससे बात होती है। जब मून ने बताया कि काफ़ी सारे हाइना ब्लैक थे, तो भी अल्फा ने भी बताया कि मेरी भी लॉकी करके एक सन था, उसको भी लेके वो लोग कई डायरेक्शन में चले गए हैं। अभी इसको अल्फा को बिल्कुल भी नहीं पता है कि कहाँ। तो अभी गाइस मून को जो काफ़ी सारी चोटें आ गई हैं, यानी ये बैटल हुआ था जो हाइना के साथ, तो उसके वुंड्स में कुछ हर्ब्स चाहिए रहेगा। तो वो अल्फा ने हीलिंग के लिए कलेक्ट कर लिया, जो मून को काफ़ी सही रहेगा। तो अभी ब्लीडिंग ये सब रुक चुकी है, तो अल्फा और मून एक साथ रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि मून ने थैंक यू बोल चुका है और ब्लीडिंग ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है, जो मून को लगा हुआ था, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक तरीके के, यानी ब्लैक वुल्फ जो होते काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। तो अल्फा ने एक और बार वेलकम बोला और मून को बोला रेस्ट करने के लिए। तो अभी गाइस इसमें ऐसा होने वाला, चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। तो मून ने ऑलरेडी नाइट में काफ़ी सारी जो चोटें लगी थी, तो गाइस अभी मून ने अल्फा को स्टोरी बताया कि एग्जैक्ट स्टोरी हुआ क्या था मून के साथ। एक्चुअली ये हुआ था कि मून के जो फादर थे उनको काफ़ी सारे हाइना ने लेके कहीं चले गए थे और ये पता नहीं मून को कहाँ लेके गए। तो यही अल्फा ने बोलता है कि तुम्हारा सिचुएशन काफ़ी टफ है। तो वुल्फ थ्रोन आप देख सकते हो यार, धीरे धीरे जो अल्फा मून है, अभी आप देख सकते हो पहले दो थे अल्फा और लॉकी जो थे इसका सन था, लेकिन लॉकी को जो ब्लैक वुल्फ थे यार काफ़ी ख़तरनाक, और लोग कहीं लेके चले गए और पता नहीं उधर कैसा है लॉकी, सही है या नहीं इसका सन। तो अभी मून एंड अपना अल्फा है जो बॉस है इस जंगल का। तो अल्फा और मून इस जंगल को, जो अपना रहने का जगह है, उसको थोड़ा एक्सपांड कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके लोग एक्सपांड कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंस और गेट ये सब मिलते जा रहे हैं इनको। और अब इनको धीरे धीरे, मतलब डेली लाइफ के लिए क्या नीड्स है इनको ये भी सब सोचना रहेगा। तो वही अल्फा और मून सब सोचे होंगे, तो अभी देखते हैं क्या होने वाला है अभी आगे। अल्फा के माइंड में कुछ सिचुएशन रिप्ले होता है, तो वो अल्फा सोचता है कुछ इस तरीके का हुआ रहेगा। अब भाई अल्फा सोच रहा था, तभी मून ने बोला कि क्या ऐसा इस तरीके से अल्फा एक स्टोन को क्यों देख रहा है। तो मून ने इस बात को पूरी तरीके से
पता चल गया उसको कि क्यों अल्फा देख रहा था। और गाइस अभी इस जंगल में काफ़ी सारे डेंजरस एनिमल रहने वाले हैं जो कि वापस से अटैक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा वुल्फ। तो आप देख सकते हो वुल्फ वापस से तीन आ गए हैं, उधर पे उनका ये हाउस है तो उधर हम लोग को अटैक करना रहेगा। तो बैटल अभी वापस से होने वाला है तीन दो में, यानी वुल्फ देख सकते हो कितने सारे हैं वुल्फ, ब्लैक एंड ग्रे रेड कलर का, कुछ ब्राउन कलर का है। तो अभी आप देख सकते हो एक लास्ट है जो एनिमी वुल्फ है, वो काफ़ी खतरनाक हाइना भी हो सकते हैं यार, हाइना भी हो सकते हैं, वुल्फ दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो कैप्चर अल्फा ने ऑलरेडी कर चुका है यार, इधर एरगोन एक नया हमें दोस्त मिल चुका है। तो अभी हमें देखना होगा कि ये हमारे साथ आने वाला है या तो फिर दुश्मन का है, तो हमें वो पहले क्लियर करना पड़ेगा। भाई उस वुल्फ को साइड में रखते हुए अल्फा ने बोला कि हमें एक नया घर चाहिएगा, उधर हमें काफ़ी सारे हेल्प लगेगी काफ़ी सारे एनिमल की। तो अल्फा ने बोला अभी हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो हमें अभी एक अल्फा ने जो ढूंढा है मंकी एल्डर करके ढूंढा है। तो हमें काफ़ी छोटे छोटे जगह स्टोन ऐसा रखना रहेगा कि उधर कुछ काम हो रहा है, कुछ फूड बन रहा है, कुछ वाटर है। तो अभी तक जो जंगल में रहने की नेसेसरी नीड्स होती तो अल्फा और मून ने अभी तक वो नहीं ढूंढा है। तो अभी एक पहला एनिमल जो मिला है हमें मंकी एल्डर, जो ये इस पे लग चुका है एक मंकी हट जो पूरा बिल्डिंग बना रहा है रहने का। तो अभी देखते कि आगे और क्या होने वाला। ये सब होने के बाद अल्फा ने मून से पूछा कि मुझे तुम्हारे फादर के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को है, जिससे मून ने बताया कि जब मेरे डैडी इस वैली में आए थे तो मैं काफ़ी छोटी थी और उस टाइम पे मुझे लेपर्ड ने अटैक कर दिया था मेरे ऊपर। तो मेरे जो फादर थे कैसे मुझे बताए थे, आप देख सकते हो गाइस। तो वही पूरा सिचुएशन मून ने अल्फा के साथ पूरा शेयर कर लिया, ये जो है उसके फादर है वाइट कलर के और ये जो लेपर्ड है और किस तरीके से सेफ किया। तो वही अल्फा ने बोलता है कि तुम्हारे डैडी जो थे काफ़ी ग्रेट थे, जिसने इस तरीके से अटैक होने से अपने डॉटर को बचाया। तो ये सब बात होने के बाद वापस से ये लोग अपने होम के साइड आ जाते हैं और वापस से इसको एक्सपांशन करने को सोचते, जिधर से चैप्टर 4 चालू रहता है। इधर एलमर करके डियर हाइनास मिलते हैं। अब भाई जो इधर अल्फा है ये बोलता है जो काम इधर डेवलपमेंट चल रहा है इसको काफ़ी जोर तरीके से चलना चाहिए, यानी काफ़ी फास्ट होना चाहिए। तो इसके लिए अल्फा ने बात करता है और मून ने भी अल्फा से बात करते हैं कि इधर हमें वाटर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प लगेगी। तो इसके बाद वापस से एक बैटल आ जाता है, यानी थोड़ा सा एक्सपांड होने के बाद वापस से इन लोग को हाइनाज मिलते हैं और इन लोग वापस से उस पे अटैक करते हैं। आप देख सकते हो एलमर भी इनके साथ आ चुका है, जो एलमर करके था एनिमल वो इनके साथ आ गया है। लेकिन इतना इनफ नहीं है यार, और जल्दी जल्दी इनको डेवलप करना पड़ेगा, कैसे भी अपना होम को पूरा सिक्योर करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है गाइस ये लोग धीरे धीरे जितने भी एनिमल्स हैं छोटे से छोटे बड़े से बड़े ये लोग अपने अंदर इनको ले लेंगे और ये सब मिल के उस पूरे होम को यानी अपने जंगल को, जो जंगल में इन लोग ने अपना वो बनाया इन लोग पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। तो अभी तक कुछ ज़्यादा पता नहीं चला है, तो आगे हम और देखते हैं कि क्या होता है। इधर जॉर्ज करके कोई आता है, आप देख सकते हो वुल्फ जो आउटसाइडर होता है इसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता अल्फा, और वापस से बैटल होने वाला है। ये जो जॉर्ज करके था ये कुछ अलग सा लग रहा था और इस पर अल्फा को थोड़ा सा डाउट आ जाता है और इसको बिल्कुल भी वेलकम नहीं करता अल्फा। और जैसे कि अल्फा किंग है इस जंगल का, तो अल्फा के बिना उसके डिसाइड करते ही तो ही कुछ हो सकता है, यानी मून और जितने भी हैं एनिमल्स उनका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और अल्फा कभी भी राइट डिसीजन लेता है, तो अल्फा ने वही डिसीजन लिया और जो जॉर्ज था उसको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया और वापस चले गए लोग। और लोग वापस अपने होम जो बना रहे अपना जंगल जिस तरीके से एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसके बारे में वापस से लग जाते हैं। और इन लोग ज़्यादा करके इस पानी के साइड में आ जाते हैं जो माउंटेन से पूरा नीचे आ रहा है। अब मून ने डिसाइड किया कि हमें इस केव में अपना फोन छुपाना रहेगा, तो उस तरीके से लोग छुपाते हैं क्योंकि मून ने पहले डिसाइड कर लिया होता है कि अगर हम इधर रखेंगे तो हो सकता है हाइना जब अटैक करे तो ये सब फूड लेके उन लोग जा सकते हैं और इनके काम भी आ जाएगा।
तो मून ने ये डिसाइड किया कि हम अपना फूड इस छोटे से केव्स के अंदर रख सकते हैं, जो हाइना बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि हमने इधर छुपा के रखा। जो ये ऊपर माउंटेन में इसको हमने अपग्रेड कर दिया वुल्फ थ्रोन लेवल 2 का, तो ये जो है ऊपर से अपग्रेड है, यानी ऊपर से कोई एक वुल्फ है वो देख रहा है इतने ऊंचे माउंटेन से, यानी वॉच टावर जैसे कुछ सीन इधर हो चुका है। यानी ऊपर से वो देख के हमें बता सकता है अल्फा मून को कि कौन आने वाला है। तो इधर कुछ ऐसा सीन होता है कि हमें अभी वाटर चाहिए और एक्सपांड करना है अपने इस, मतलब बोल सकते होम को। तो उसके लिए मून ने बोला कि हम, अल्फा ने बोला कि हो सकता है ये इनफ है हमारे लिए वाटर, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है और इसके बाद कुछ अलग तरीके का कुछ एक साउंड आता है काफ़ी सारे एनिमल्स और काफ़ी सारे हाइनस का। तो उसके लिए उन लोग उधर जाएंगे अभी। वापस से बैटल इधर स्टार्ट हो चुका है। मून और हाइना ने कुछ ऐसा देखा कि ये लोग एक किसी एनिमल को यार परेशान कर रहे थे, हाइनास जो इधर और वुल्फ थे मिलके, तो उनको उस तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा या जिससे जो एनिमल पे इन लोग अटैक कर रहे हैं तो इन लोग खुद अपने पास उस एनिमल को रख ले, जो अटैक यानी जो विक्टिम है उनको खुद अपने पास लोग रख ले, तो इनका हेल्प भी हो जाएगा और उसका भी हेल्प हो जाएगा और ऐसे इनकी कम्युनिटी थोड़ी बढ़ते चले जाएगी और इनके होम को कोई प्रोटेक्ट करने के लिए भी इधर रहेगा। तो उस तरीके का मून और अल्फा ने कुछ सोचा है और लोग कंटिन्यू वो करें। तो मोमो इनका नाम था, तो मोमो ने ऑलरेडी मून और अल्फा ने सेव कर चुका है इसको और अपग्रेड भी कर दिया इस गेट को जहाँ से एंट्री लेने वाले थे लोग। तो इस गेट को हम लोग ने अपलोड कर दिया। तो मेक श्योर गाइज आपने लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।